तो गाइस गाड़ी को हमने सर्विसिंग पर डाल दिया है और अभी हमने ओला कैब बुकिंग कर ली है और अब हम जा रहे हैं मिरेकल सलोन मेरे बालों का मेकओवर के लिए और हम ये पहुंच गए हैं। हेलो सो गाइस 10 मिनट के बाद ये डिसाइड हुआ है कि मैं अपने बालों में केराटिन प्लस स्मूथनिंग करा रही हूँ और साथ में मैं ले रही हूँ फेशियल सर्विस और पेडिक्योर भी किया जाएगा। सो गाइस आगे देखते रहिएगा। सो गाइस फेशियल हो गया है मेरा और लिटरली आपको बता दूं कि जब फेशियल चल रहा था तो आँख में थोड़ी जलन तो थी 10-15 मिनट के लिए, बट बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ, ग्लोनेस भी दिख रहा है मुझे। और अब बारी है पेडिक्योर की और यहाँ पे मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं अपना पेडिक्योर कराते हुए। तो गाइस 6 घंटे पार्लर में स्पेंड करके हमारा यहाँ पे टोटल बिल आया है 10,600 10,600 रुपये और बहुत ही भारी भरकम वाला बिल पड़ा है, लेकिन इतना तो डिजर्व करते हैं कि हम लोग कुछ टाइम निकाल के मी टाइम निकालें और ख़ुद को पैम्पर कर लें। तो सब काम निपटा चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापस अपने रूम होटल में। तो गाइस हम रूम पे आ गए हैं और यहाँ पे मैंने ऑर्डर करी है पिज़्ज़ा, हस्बैंड एंड वाइफ मिलके खाएंगे हम पिज़्ज़ा पार्टी और देखो कितना टेस्टी टेस्टी वाला पिज़्ज़ा है गाइस। और यहाँ पे हमने जोमेटो से गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर करी है, ये गया गार्लिक ब्रेड टेस्टी। सो गाइस पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी है, बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ, मेघालय में तो मिलने से रहा इतना टेस्टी वाला, बट दिस इज़ वेरी टेस्टी। जिंदा रहो क्या नहीं जोमेटो वाला भैया जिंदाबाद। सो गाइस गार्लिक ब्रेड खा के बताती हूँ कैसी है। गार्लिक ब्रेड इज़ वेरी टेस्टी जस्ट लाइक पिज़्ज़ा, मज़ा आ गया है, मज़े ही मज़े।